कल्याण समेत कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर छोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर इंडिया न्यूज ने राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों से जनता की राय ली, जहां लोगों ने कहा कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल जायज है और सिर्फ गाँव की संसद ही नहीं बल्कि देश की संसद तक इस नियम को लागू करना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी पंचायती राज चुनाव कराने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इस पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के उतरावा गांव में हैं और यहां के जो मौजूदा प्रधान है, आपको बता दें महिला प्रधान है और इनको अवार्ड भी, बेहतर कार्यों के लिए अवार्ड भी राष्ट्रपति द्वारा मिल चुका है। उनसे जानते हैं उनकी आखिर क्या राय है। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, ये बताइए कि जिस तरह से आपको एक अवार्ड भी मिला है, आप यहाँ के प्रधान भी हैं, तो क्या कहेंगी अगर गांव का प्रधान जो है पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो किस तरह से गांव का विकास कर पाएगा? गांव का प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो गांव का उन्नति बढ़ेगी और गांव का विकास होगा। पढ़ा लिखा प्रधान जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। ये महिला प्रधान है इस गाँव की, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, सरकार जो है इस बार एक नियम लाने जा रही है कि गाँव का जो प्रधान है, इलेक्शन को लेकर जो पंचायती राज इलेक्शन होने हैं पंचायती पंचायत के, तो उसमें एक ये हो रहा है कि प्रधान प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो 2 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अगर सरकार फैसला लाती है तो आपका इस पर क्या कहना है? ये सरकार अगर ये फैसला लाती है तो स्वागत योग्य सरकार का कदम है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की तारीख में बहुत जरूरी है और जहाँ तक ग्राम पंचायत का पहला प्रतिनिधि पढ़े लिखे होने की जरूरत बात कही गई है, अगर ऐसा भी होता है तो ये स्वागत योग्य कदम इसलिए होगा कि सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है और बिना पढ़े लिखे आदमी को, पढ़े लिखे आदमी जो है वो इधर उधर टहलाने से जो बाज नहीं आते हैं उस पर अंकुश लग जाएगा। भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरकार का ये कदम होगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव से शुरुआत की है सरकार को, क्या आगे भी जो और चुनाव है लोकसभा के या जो विधानसभा के उनमें भी ये लाना चाहिए? ग्राम पंचायत की संसद से जो प्रारंभ हो वो देश की संसद तक वही नियमावली जानी चाहिए। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो वो नियमावली अगर ग्राम पंचायत से शुरू होती है तो देश तक जानी ही चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। रवि जी, ये बताइए कि जिस तरह से सरकार अब इस बार पंचायत चुनाव में कुछ नए तब्दीलियां लाने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा कानून बनने जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग हमारा भारत देश गांव में बसता है और गांव में अशिक्षा और जनसंख्या, ये दो गरीबी के अहम रोल होते हैं, जिससे अगर ये कानून लग जाता है तो गांव में एक तरफ तो हमारा जो मुखिया पढ़ा लिखा होगा और वही जब अगर पढ़ा लिखा होगा तो अगले गांव का विकास कर सकता है और इस तरह से अगर होगा तो वो प्रेरित भी करेगा लोगों को बताने में कि हाँ जरूरी भाई आप पढ़िए, थोड़ा 2 बच्चे पैदा करिए, इससे ज़्यादा बच्चे मत करिए। और ये कानून हमारे हिसाब से नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, चाहे वो विधायक की चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, वो हर मतलब ये कानून हर उस पर लागू होना चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल, और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, तेग बहादुर सिंह। जी बहादुर जी, ये बताइए कि जो अब सरकार इस पर विचार कर रही, इस पर क्या राय है आपकी? जी, ये जो कानून लाने जा रही है ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कानून है। जैसा कि हमारे मित्र रवि पांडे जी बोल चुके हैं, वही मैं दोहराना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया कानून है। बिल्कुल, ये थी गांव की वो जनता जो अगर सरकार ये अध्यादेश लाती है पंचायती चुनाव को लेकर के तो उसका स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो गांव के संसद में जो नियम लागू होगा वही नियम देश की संसद तक भी लागू होना चाहिए। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री।